नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लायंस ब्लॉग पे। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, BOCW एक्ट। अब तक हमने BOCW एक्ट के ऊपर कई सारे वीडियोस बना लिए। अगर आप अब तक नहीं देखे हो सारे वीडियोस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स चेक कर सकते हो। सभी लिंक्स में आपको जानने को मिलेगा कि यह एक्ट का हिस्ट्री क्या है, इस एक्ट का लेंथ एंड ब्रेथ क्या, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एप्लीकेबल है और किस कंडीशंस पे एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख डिफिनेशंस है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क किसको कहते हैं, बिल्डिंग वर्कर किसको कहते हैं, मेंबरशिप कब बनेगा, ये सारे चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 जो कि एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में है और एक बिल्डिंग वर्कर किस तरह से BOCW वेलफेयर बोर्ड का मेंबर बनेगा, बेनिफिशियरी बनेगा, उसके बारे में है। तो अगर आपने यह मिस किया, प्लीज वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप क्लिक करके फटाफट देख लेना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते आऊंगा और एक नया वीडियो आपके पास लेके आऊंगा। तो मेरे दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 6 जो है ना, ये स्पीक करता है बिल्डिंग वर्कर के वर्किंग आवर्स, जो फैसिलिटीज है, जो मेजर्स है, एवं कब कंस्ट्रक्शन एरिया में बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी के बिल्डिंग वर्कर्स नॉट अलाउड है, और कुछ फैसिलिटीज जो बिल्डिंग वर्कर्स को नहीं मिलेंगे और कुछ मैंडेटरी है देना, कौन से ऐसी फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉयर को अपने कॉस्ट में करना है। साथ ही साथ कुछ डाउट क्लियरिटी भी करेंगे, जैसे कि ओवरटाइम वेज किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 में टोटल 10 डिफरेंट सेक्शंस है, जो कि सेक्शन 28 से सेक्शन 37 तक है। तो आप ये अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी वर्किंग आवर्स और वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात होगा, सेक्शन 28 से सेक्शन 37 के बीच में ही होगा। मैं अपने हर वीडियो में इसी तरह से आप लोगों को अपने ट्रिक्स देता हूँ, किस तरह से मुझे ये सारे सेक्शंस याद रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 जो है ना, वो बात करता है बिल्डिंग वर्कर के वर्किंग आवर्स एंड एक्सेट्रा के बारे में। तो अब एक्सेट्रा क्या है हम जानेंगे। इसको जानने के लिए हम इस सेक्शन को दो हिस्से में तोड़ते हैं, सबक्लोज 1 एंड सबक्लोज 2। सबक्लोज 1 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रीमाइसेस बाय रूल्स वर्किंग आवर को निर्धारित करता है फॉर एनी नॉर्मल वर्किंग डेज। साथ ही साथ मिनिमम 1 ब्रेक या उससे ज्यादा ब्रेक वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। हर 7वें दिन एक पेड रेस्ट डे दे सकता है, एवं अगर किसी ने 7वें दिन पेड रेस्ट डे के समय काम किया है तो उस वर्किंग डे के लिए, पेड रेस्ट डे के लिए उसे जो मुआवजा मिलेगा वह दी ओवरटाइम रेट है। ठीक है, तो ओवरटाइम रेट क्या होता है यह हम आगे देखेंगे सेक्शन 29 में, बने रहिए मेरे साथ। अब इसके सब क्लोज 2 जो है, मैंने कहा दो हिस्से में बांटेंगे, एक क्लोज 1 एक क्लोज 2 में। तो सब क्लोज 2 में क्या है, तो आप स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय डिफाइन किए, जैसे कि ऐसे लोग जो इंगेज है इमरजेंसी वर्क पे, ऐसे लोग जो इंगेज है अर्जेंट वर्क पे, ऐसे लोग जो इंगेज है कुछ ऐसे टेक्निकल एक्टिविटीज पे जो उनके बिना हो नहीं सकता, ऐसे बिल्डिंग वर्कर जो इंगेज है उस तरह के काम पे जो कि मैंडेटरी है उसी दिन काम कराना, तो ऐसे जो अर्जेंट एक्टिविटीज है, तो इस कैटेगरी में जो बिल्डिंग वर्कर फंस जाते हैं ना, उन्हें सब क्लोज 1 का बेनिफिट, एक्सटेंडेड बेनिफिट नहीं मिल पाता। बेनिफिट उनको भी है, लेकिन ये जो जब ये कंडीशन आते हैं तब ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्यों? अब ये कंडीशन हमेशा के लिए होती नहीं है, कोई इमरजेंसी कोई काम है, रोज तो इमरजेंसी हो नहीं सकती, कोई टेक्निकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन के चलते करना ही जरूरी है, तो ऐसा अर्जेंट काम है इमरजेंसी नेचर से, तो सिर्फ उस पीरियड के लिए ये सब क्लोज 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, एल्स वो बिल्डिंग वर्कर भी इस सब क्लोज 1 में आएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 के बारे में। सेक्शन नंबर 29 क्या है, ये ओवरटाइम वेज के बारे में। तो जो बिल्डिंग वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर से एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे ओवरटाइम वेज मिलेगा। ओवरटाइम वेज क्या होता है, जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज है वो उसका ट्वाइस देना, उसको ओवरटाइम वेज बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज क्या हुआ, बेसिक प्लस ऑल सच अलाउंसेस एक्सेप्टेड बोनस, वो ओवरटाइम वेज कहलाता है एज पर BOCW एक्ट सेक्शन 29 के तहत। अब यहाँ पर आपको सबसे डाउट हो सकता है कि शायद आप में से कई लोग ओवरटाइम वेज में सिर्फ बेसिक प्लस डीए का ट्वाइस देते होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों आपने शायद मेरा वीडियो जो मैंने वेज के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेज के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनाया है, शायद नहीं देखा, तो लिंक पे मैंने वो भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। ओवरटाइम वेज मात्र बेसिक प्लस डीए नहीं होता है, अन्य अर्निंग कॉम्पोनेंट जो है सैलरी स्ट्रक्चर के, दैट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज, यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल बेसिक है, डीए है, एचआर है, स्पेशल अलाउंस है, तो इन सभी का टोटल जो है ना उसका ट्वाइस ओवर टाइम वेज कहलाता है, अगर कोई एम्प्लॉय बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करेगा। तो याद रखिएगा आप प्लीज अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कंप्लायंस सिक्योर कीजिए, इसीलिए मैंने कहा है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
इस तरह के कई सारे ट्रिक्स मैं थ्रू आउट सेशन देते रहूंगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। हर एक्ट में रजिस्टर बनाना है, तो इस एक्ट में कुछ नया नहीं, इस एक्ट में भी वैसे ही रजिस्टर बनाना है जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत बनाते होंगे या मिनिमम वेज एक्ट या एसएनई के तहत। उसी तरह इस एक्ट में भी एम्प्लॉयर के लिए अनिवार्य है कि वह उस स्टेट के हिसाब से रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन करे। अब सेक्शन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 31 जो है ना, ये असल में एम्प्लॉयर को बोलता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक एम्प्लॉयज है जिसको आप बिल्डिंग वर्कर के रूप में नहीं ले सकते। कैसे एम्प्लॉयज? मान लो कोई कान से नहीं सुन पाता हो, या जिसकी आपकी रोशनी अच्छी नहीं है, जो मानसिक संतुलन में नहीं है, या किसी रूप से विकलांगित है। ऐसे लोगों को आप कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं ले सकते हो। एग्जाम आपने लिया तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स काफी हाई होता है। सो एम्प्लॉयर नॉइंगली कांट हायर सच वर्कर फॉर उसी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बहुत जरूरी है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये ना जाने कहां कहां से आके काम कर रहे हो, तो इनको रहने की जगह देना आपकी जिम्मेदारी है। तो बीइंग एम्प्लॉयड यू हैव टू इंश्योर कि आपके बिल्डिंग वर्कर को रहने की पर्याप्त जगह हो। पर्याप्त जगह मतलब वहां किचन होना चाहिए उनके पास, वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से रह सके। जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क समाप्त हो जाए तो ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर आपने बिल्डिंग वर्कर के लिए बनाया था फॉर एकोमोडेशन फैसिलिटी, इसे आपको हटाना है और अपने कॉस्ट पे हटाना है। आप अपने बिल्डिंग वर्कर को नहीं बोल सकते भाई मैं तुमसे पैसा काट के ये हटाऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बीइंग एन एम्प्लॉयर यू हैव टू इंश्योर द रिमूवल ऑफ ऑल सच कंस्ट्रक्शंस, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन दैट यू हैड डन ड्यूरिंग दैट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 क्या है? ये क्रेश फैसिलिटीज के लिए। क्रेश फैसिलिटी कब लेनी है? अगर आपके प्रीमाइसेस में 50 या 50 से ज्यादा वर्किंग है फीमेल, तब इट इज मैंडेटरी कि आप वहां पर क्रेश फैसिलिटीज दे। सिर्फ फैसिलिटीज ही नहीं देना, आपको अटेंडर भी देना है हू टू बी वेल क्वालिफाइड, प्लस फैसिलिटीज एरिया है वो आपको नीट एंड क्लीन भी रखना है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 स्पीक्स अबाउट फास्ट एड फैसिलिटीज। फास्ट एड बॉक्स में क्या क्या रहेंगे इसका भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लेना। आप स्क्रीन पे भी मैंने वो लिस्ट डाल दिया, आप सेव कर लो। कैंटीन फैसिलिटीज सेक्शन नंबर 37 सबसे लास्ट सेक्शन। इस सेक्शन में कहा गया कि अगर आपके पास आपके बिल्डिंग प्रीमाइसेस एरिया में 250 से ज्यादा वर्किंग फोर्स है, तब आपको कैंटीन फैसिलिटीज देनी होगी। तो ये 10 सेक्शन चैप्टर नंबर 6 के तहत हमने आज यहाँ खत्म किया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ता अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बतलाएंगे। उनसे भी मेरी यही अनुरोध रहेगी कि सब्सक्राइब करो दोस्तों, कुछ नहीं जाने वाला, एक बटन दबा दो नीचे है। और हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक देना, और नहीं पसंद है फीडबैक जरूर दो, क्योंकि आपके हर फीडबैक के साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। धन्यवाद।